कोविड-19 की वजह से एजुकेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है, एंड दैट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इट्स गुड दैट मोर एंड मोर टीचर्स आर कमिंग ऑनलाइन एंड टीचिंग एंड फॉलोइंग देयर पैशन, बट एट द सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टीचिंग ऑनलाइन जस्ट फॉर मनी विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, and thirdly without having any conceptual clarity on what they are teaching. Hi guys, my name is Anuj Jindal and this is the topic for today's discussion. Things to keep in mind while you are enrolling in or taking any online course. I'll be discussing with you a total of 5 points which you can keep in mind before enrolling in or taking any course so that your decision is rational and in your best interest for your examination. First and the most important point for any student, price. यहां पर दो चीजें आती हैं, एक्सपेंसिव एंड वर्थ। जरूरी नहीं है कि कोई भी कोर्स जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो वो सबसे अच्छा हो, बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी नहीं है कि जो कोर्स सस्ता है वो कम अच्छा है। इन एनी सिचुएशन एनी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैन अराइज। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड बाय गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इफ यू गो टू माई UGC कोर्सेज यू विल सी कि एक 3 महीने का कोर्स 3,500 पर प्राइस है। At the same time, if you go to Unacademy's platform, you will see that a 3-month course, the same course is priced at around 5,000. ये 1500 का difference student के लिए बहुत बड़ा है। But then you might feel कि Unacademy का course better होगा। But that is not a reality. And how do you check that? That brings me to my second point, and that is conceptual clarity, experience, and qualification of teachers. आपको अल्टीमेटली टीचर ही पढ़ाने वाला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर्स बिफोर यू टेक एनी कोर्स। टीचर से डायरेक्टली बात करें, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज को समझने की कोशिश करें। देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कमिंग अप राइट नाउ जहां पर नए नए टीचर्स को लाया जाता है, दो दो तीन तीन महीने, छह छह महीने के लिए पढ़ाने के बाद उन टीचर्स को हटा दिया जाता है। द रीजन इज दैट दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वॉन्ट टू कीप हायरिंग cheaper teachers and push them to teach for the next 2 months, 3 months or 6 months and then fire them by hiring more teachers. So it is very important ki aap aise hi teachers se padhein whose educational qualification, whose experience, expertise and whose conceptual clarity is visible to you ki wo bahut achhi hai. For example, UGC NET mein myself and Shubham sir are the only teachers that we have. Shubham sir has 2 JRFs in Commerce and Management and 1 NET in HRM. Similarly, I also have 2 JRFs in Commerce and Management and 1 NET in HRM. इसके साथ साथ हमने 3 books भी साथ में लिखी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा point है जो आपको समझने में आसानी करता है कि ये teachers बहुत time से UGC NET के लिए coaching दे रहे हैं, मतलब इनको experience है, इनके पास qualification है in the form of JRFs as well as NET, और इनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है क्योंकि इन्होंने बुक्स तक लिखी हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप जरूर इकट्ठे करें बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू टेक अ कोर्स और नॉट। पॉइंट नंबर 3, क्लेम्स मेड बाय इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर्स के क्लेम्स बनाते हैं, अपने सक्सेस रेट के क्लेम्स बनाते हैं और बहुत सारे दूसरे क्लेम्स भी बनाते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। उनमें से 90% क्लेम्स हमेशा गलत निकलते हैं। It's very important that you identify and judge those claims on your own. For example, अगर कोई भी टॉपर किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और अगर उसका टीचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपको, मतलब उस स्टूडेंट को, उस सक्सेसफुल स्टूडेंट को शायद पे किया गया है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। So it's very important that you keep in mind कि टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है भी या नहीं है। पॉइंट नंबर 4, रीचिंग आउट टू योर टीचर। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल कोर्सेज देते हैं बट उसके बाद स्टूडेंट के लिए कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। नॉर्मल सी बात है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी यू विल फेस सम डाउट्स। गूगल ऑल्दो कैन सॉल्व सम ऑफ दोज डाउट्स बट यू नीड द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर टू सॉल्व सम ऑफ दोज रिमेनिंग डाउट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एक्सेसिबिलिटी टू योर टीचर इन दैट सिनेरियो। हमेशा ऐसे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ें जहां पर टीचर की अवेलेबिलिटी आपको दिख रही है। लास्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आज खुलते हैं और 6 महीने बाद बंद हो जाते हैं।
So it's very important that before following any teacher and before following any online platform, you are sure कि उसकी क्वालिटी अच्छी है. क्या वो आपको लाइव क्लासेस के साथ नोट्स भी दे रहे हैं? क्या वो आपको नोट्स के साथ टेस्ट भी दे रहे हैं? अगर वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. आई एम वेरी श्योर दीज 5 points विल हेल्प यू मेक अ मोर रैशनल एंड अ बेटर डिसीजन वेन एवर यू डिसाइड टू स्टडी ऑनलाइन रादर देन गोइंग ऑफलाइन. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.